क्लास अब जो हमारा नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या-क्या रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं पहला है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 एमएम ऑफ एचजी ये जो 120 एमएम ऑफ एचजी है ये हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और ये जो 80 एमएम ऑफ एचजी है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा प्रेशर होता है तो उस कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपर कहते हैं जो कि हो सकता है 140 फोर्टी बाय नाइन्टी एम एम एफ एच हाई ब्लड प्रेशर से बहुत सी दिल की बीमारियां हो सकती हैं और ये हमारे जरूरी ऑर्गन्स जैसे कि किडनी को भी अफेक्ट करता है क्लास जो नेक्स्ट डिसीज है वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज सी जिसको हम आर्थेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं इस केस में ऐसे ब्लड वेसल्स अफेक्ट होते हैं जो ब्लड को सप्लाई करते हैं हार्ट मसल्स की तरफ आर्ट्रिया का जो ल्यूमिन है वो नैरो हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फाइब्रस टिश्यू एंड फैट जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बहुत ही धीरे हो जाता है नेक्स्ट डिसीज़ है एंजाइना पैक्टोरसिस इस केस में पेशेंट को एक्यूट चेस्ट पेन महसूस होता है क्योंकि हार्ट तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच नहीं पाती यानी ये डिसीज़ होती है जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है हार्ट मसल्स में और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं नेक्स्ट डिशीज़ है हार्ट फेलियर हार्ट फेलियर का मतलब है ये हार्ट का ऐसा स्टेट है जब हार्ट इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है यानी इस केस में हार्ट सप्लाई ब्लड को नहीं कर पाता डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में नेक्स्ट डिसीज है कार्डियक अरेस्ट इस केस में हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाती हैं बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई क्लास अब हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे जितना अभी हमने पढ़ लिया उसके बेसिस पे अगेन रूल ये है क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑप्शन पढ़ेंगे और जो लगता है सही ऑप्शन वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे सो रेडी फॉर अ चैलेंज क्वेश्चन है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज ए 50 बाय 90 एम एम एच जी बी वन ट्वेंटी बाई एट्टी एम एम एच जी सी एट्टी बाय वन ट्वेंटी एम एम एच जी और डी वन सिक्सटी बाय हंड्रेड एम एम एच जी यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप क्वेश्चन एंड ऑप्शन अच्छे से पढ़ लें क्लास आंसर देखते हैं आंसर है इसका बी 120 ट्वेंटी बाई एटी एम एम हमने सीखा भी था जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 ट्वेंटी बाई एट्टी एम एम ऑफ एच क्लास अब हम कुछ समरी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हमने सीखा था जो हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नाम की मशीन और जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं हमने सीखा था ईसीजी में पी क्यू आर एस और टी वेव होते हैं हमने सीखा था कि डबल सर्कुलेशन में दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं एक पल्मनरी सर्कुलेशन होता है तो दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है फिर हमने सीखा था कि कार्डिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है मेडुला रीजन थ्रू ऑटोनिक नर्वस सिस्टम फिर हमने सीखा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो टाइप्स का होता है जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है एक होता है सिंफेथेटिक नर्वस सिस्टम दूसरा होता है पैरा नर्वस सिस्टम हमने सीखा था कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसकी रेंज होती है 120 ट्वेंटी बाई एटी एम एम ऑफ एच फिर हमने सीखा था कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज ब्लॉक द ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फैट यानी इस डिसीज में जो हार्ट है उसको ना ही ब्लड मिल पाता है ना ही ऑक्सीजन मिल पाती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फैट क्लास यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इन नोट्स को नोट डाउन कर लें क्लास कुछ रेफरेंस क्वेश्चन है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है इन्हें आप नोट डाउन कर लेना एनसीआर टी का क्वेश्चन नंबर फोर सिक्स सेवन का ए बी क्वेश्चन नंबर टेन और फोर्टीन फिर है वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर सेवन एट टेन फिफ्टीन एंड सेवेंटीन क्लास यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकें क्लास आपका यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो चुका है अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में